नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो मिस्त्री। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको इनक्लोज़र दिखाऊंगा लो बेस का और लो बेस के सबवूफर दिखाऊंगा। इसके अंदर जो सबवूफर लगे हुए हैं वो 1200 वाट आरएमएस का एक सबवूफर है, मतलब टोटल 2400 वाट आरएमएस है। और इनक्लोज़र दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा है इसका डिज़ाइन, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये हमारा लो बेस का इनक्लोज़र है, ठीक है दोस्तों। और सबवूफर जो हैं इसके अंदर वो क्राउन ऑडियो के सबवूफर हैं, वो भी मैं आपको अभी खोल के इसको दिखाऊंगा कि वो दिखने में कैसे हैं सबवूफर। और हल्की फुल्की देखो, मैं ज़्यादा पावर पे तो चला नहीं पाऊंगा घर पे, क्योंकि एम्पलीफायर को पावर ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। हल्की फुल्की परफॉर्मेंस मैं आप लोगों को इन सबवूफर की दिखा दूंगा कि ये कैसे चलते हैं, और इनक्लोज़र का डिज़ाइन भी मैं आप लोगों को इसके अंदर बता दूंगा कि कितना इनक्लोज़र है, मतलब कैसा है। मतलब प्रॉपर तो नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, हल्का फुल्का मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा है ये। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सबवूफर देख लेते हैं कि सबवूफर इसमें कौन से लगे हुए हैं। तो इसके अंदर जो सबवूफर लगे हुए हैं हमारे क्राउन ऑडियो के सबवूफर हैं, ये आप लोग देख सकते हो इनको। और इसमें 220 की डबल मैग्नेट लगी हुई है और 3 इंच की वॉइस कॉयल है इसके अंदर, ठीक है। 220 बहुत बड़ी मैग्नेट होती है। आप साइज, ये 12 इंच का सबवूफर है, आप मैग्नेट का साइज़ देख लो कितना है इसका। इस अप्रोक्स ये 17 या 18 किलो का होगा सबवूफर। एक जो सबवूफर है ड्यूल कोयल सबवूफर है और 2 ओम सबवूफर है ये, मतलब जो हम बोलते हैं सबवूफर को डीवीसी सबवूफर जैसे बोल देते हैं, ये हमारा D2 है, D4 नहीं है, ये हमारा D2 सबवूफर है। और कहने का मतलब ये है कि 1 ओम पे ये चलता है, एक सबवूफर 1 ओम पे चलेगा पैरलर में, सीरीज़ में आप इसको 4 ओम पे चला सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इनक्लोज़र दिखाता हूँ। एक बार मैं वायर दूर कर दूँ इसकी, जो अंदर वायर पड़ी हुई है। ये हमारा पूरा इनक्लोज़र है, ये 33 इंच का इनक्लोज़र है चौड़ाई में, और जो इसका ये ऊँचाई है इसकी वो 24 इंच है सॉरी। और जो हमने पोर्ट लिया है इसका वो 3.5 इंच का पोर्ट है, जो एयर पोर्ट होता है हमारा 3.5 इंच का पोर्ट है। और जो मैंने इसके अंदर बोर्ड यूज़ किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो ये बोर्ड है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड हमारा 1 इंच का है पूरा, ठीक है, क्योंकि हमें लो फ्रिक्वेंसी के लिए मोटा बोर्ड चाहिए होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया है सब कुछ, तो इसकी मैं परफॉर्मेंस आप लोगों को हल्की फुल्की दिखा देता हूँ। ज़्यादा पावर में नहीं दिखा पाऊँगा, हल्की फुल्की पावर में इसकी परफॉर्मेंस दिखा दूँगा आप लोगों को। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आती तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना। और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं, बाय बाय।